सोयाबीन और सोयाबीन तेल में फिर बनेगी तेजी। दरअसल सोयाबीन के उत्पादन में कमी से मंडियों में सप्लाई काफी घट गई है, वहीं तेल के भाव भी बढ़ाकर बोले जाने लगे हैं। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय सोया DOC के अब आयात पड़ते लगने से वर्तमान भाव के कच्चे मालों में अब और घटने की गुंजाइश नहीं है। दरअसल सोया की आवक मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की मंडियों में पूरी तरह टूट चुकी है। इसकी नई फसल पिछले 6 महीने से आ रही है। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया, शिवपुरी, सुजालपुर, नीमच, रतलाम, दाहोद के अलावा राजस्थान के कोटा और उसके आसपास के क्षेत्रों में फसल का दबाव पिछले साल की अपेक्षा कम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अकोला, जलगांव, औरंगाबाद लाइन में भी इस बार सोयाबीन की फसल अनुकूल नहीं है। हालांकि जो फसल बोई गई थी उसकी क्वालिटी इस बार बढ़िया आई है, लेकिन सकल उत्पादन चौतरफा कम और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम देखने को मिल रही है। सितंबर अक्टूबर में मौसम इस बार अनुकूल होने से सोयाबीन के सीड में दागी कम आया था। फसल पकने के टाइम में सूखा मौसम होने से फसल में दाने बढ़िया आए हैं। उधर मध्य प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन के भाव 4600 से 4700 रुपए प्रति क्विंटल देखने को मिल रहे हैं। और महाराष्ट्र की मंडियों की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की मंडियों में अकोला, जलगांव और औरंगाबाद लाइन में भी प्लांट पहुंच में सोयाबीन के भाव 5225 से 5250 रुपए के आसपास देखने को मिले हैं। दरअसल पिछले साल प्लांट पहुंच में इन दिनों भाव 6400 से 6425 रुपए तक बढ़िया सोयाबीन के देखने को मिल रहे थे। इस बार विदेशी खाद्य तेलों की भरमार होने से तिलहनों की पराई कम हो चुकी है। दूसरे और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पिछली फसल अधिक होने से हमारा निर्यात काफी कम रहा है। इन्हीं कारणों से बाजार काफी नीचे आ चुके हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि अब यहां से ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। दरअसल सोया DOC कोटा लाइन में पिछले महीने 4250 से 4300 रुपए बिकने के बाद वर्तमान में भाव 3950 से 3970 रुपए के आसपास देखने को मिल रहे हैं, जो कि पिछले साल सोया DOC कोटा लाइन के भाव 6100 से 6150 के आसपास थे। उधर ब्राजील और अर्जेंटीना की फसल कमजोर बताई जा रही है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मार्च शिपमेंट के भाव ऊंचे होने से भारतीय DOC में निर्यातकों की फिर से खरीदारी आने लगी है। इसे देखते हुए आगे चलकर सोयाबीन और इसकी DOC में कारोबारियों को भरपूर मुनाफा मिल सकता है। पिछले वर्ष सोयाबीन का उत्पादन 126 लाख मीट्रिक टन हुआ था, जबकि इस बार फसल को देखते हुए 120 से 121 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वर्तमान में उम्मीद है कि सोया DOC के भाव अब यहां से ज्यादा नहीं घटेंगे। ऐसे में बाजार जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि निचले स्तरों से सोयाबीन के भाव कुछ संभलते हुए दिखाई दे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।